नमस्कार साथियों, बेसिक शिक्षा विद रजत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि यदि आपसे कोई भी डाटा इनकरेक्ट फीड हो गया तो आप उसमें किस प्रकार से संशोधन करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग का सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेरणा पोर्टल से अपने आप को लॉग इन कर लेते हैं। प्रेरणा पोर्टल की साइट है prerna.up.in। इसको किसी भी ब्राउजर में हम लोग ओपन कर लेंगे। बैंक डाटा अपलोड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आता है टीचर लॉग इन, इसको चूज करेंगे। फिर यहाँ सर, यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट एनरोलमेंट पर टिक करना है, मोबाइल नंबर फीड करना है, वेरीफाई कर देंगे। अब ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। अब इसमें हम लोगों को अपना जो डाटा है वो करेक्शन करना है, तो किस प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है स्टूडेंट गार्डियन बैंक एक्सेल अपलोड एंट्री फॉर्म। सेकेंड नंबर का आता है स्टूडेंट गार्डियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स। तो हम लोगों को ये अपडेट फॉर्म्स वाला कॉलम सेलेक्ट करना है। अब इसमें हम लोगों को किस वाले ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले आ रहा है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन। यदि आप इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसमें परिवर्तन कर दीजिए। जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को चूज कीजिए। और यदि सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन करना है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यानी जिसमें आपको परिवर्तन करना है उस वाले ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं सितंबर से फरवरी खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। इस पर जैसे ही हम लोग टैप करेंगे वो हम लोगों को एक नई जगह लिखे। यहाँ पर हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जिसमें कि सेशन है। सेशन हम लोगों को 2020 और 21 सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी क्लास, जिस क्लास का भी डाटा हम लोगों को एडिट करना है या अपडेट करना है वो क्लास हम लोगों को चूज कर लेना है। यहाँ पर स्कूल का नाम और ब्लॉक का नाम आ जाएगा। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर टैप करना है। सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम लोग टैप करेंगे ये संदेश हम लोगों के सामने ओपन होके आ जाते हैं। अब कुछ भी अपडेट करने से पहले हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। इसके बाद ही हमें कोई भी डाटा फीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम आगे वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये आता है नीचे एडिट स्टूडेंट गार्जियन बैंक डिटेल्स। किसी भी स्टूडेंट का आप नेम, फादर्स नेम, बैंक डिटेल, एड्रेस, आधार नंबर, कोई भी डिटेल यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा क्रमांक से पहले एक चेक बॉक्स बन के आ रहा है। जिस भी स्टूडेंट का आपको डाटा एडिट करना है उसके सामने वाले चेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो वो उसका जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगा और आप उसमें एडिट कर पाएंगे। ध्यान रखिए, यदि आपको सभी बच्चों का डाटा एडिट करना है तो आप सभी के आगे सेलेक्ट ऑल कर देंगे, और यदि आपको दो तीन बच्चों का करना है तो आपको पहले ध्यान देना होगा किन बच्चों का आपको डाटा एडिट करना है। उनके लिए सबसे पहले आपको चेक बॉक्स पर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको ये एडिट करें, क्योंकि इसके बाद तुरंत ही यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन हाईलाइट होकर आ जाता है, और अगर आपने एक बार अपडेट कर दिया तो आप दोबारा से वो प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। फिर से आपको दोबारा स्टार्टिंग से ही उसके लिए आना पड़ेगा। आप खाता धारक का अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता के आधार के अनुसार उनका नाम और सारी चीज़ें आप यहां से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में ये अपडेट का ऑप्शन आता है, आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे आपका जो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई यदि आपकी समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।